जैसे कि क्रिकेट में ऑलराउंडर है हमारे हार्दिक पांड्या, वैसे ही कार्स के सेगमेंट में भी एक ऑलराउंडर जल्दी लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ Hyundai Exter SUV की। अब मैं मानता हूँ, जानता हूँ कि आप सोचेंगे कि क्या ये एक्चुअल में SUV है या नहीं। आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अब नई Exter को लॉन्च किया जाएगा 10 जुलाई को, लेकिन उससे पहले ही आपके लिए हम इंटीरियर जो है वो लीक हो गया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला, और ये होने वाली है इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा फीचर वाली गाड़ी, जिसमें आपको वॉइस असिस्टेंट वाली सनरूफ भी मिलेगी, डिजिटल क्लस्टर भी मिलेगा, और इसके साथ साथ मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी मिलने वाला है। और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इस व्हीकल को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें। अगर आपका बजट है 6 से 10 लाख का, तो आपके लिए एक SUV आ रही है, वो भी Hyundai कंपनी की तरफ से, जिसका नाम है Exter, जिसकी सारी डिटेल्स आपको आज मिल जाएंगी। शुरुआत करते हैं इसके मेजर चीज से, जो लेटेस्ट है वो है इसका इंटीरियर। तो आपको बताना चाहूंगा कि इंटीरियर आने से कुछ देर, थोड़ा मैं बता दूं कि हार्दिक पांडे के रेफरेंस क्यों हुआ, बिकॉज इंटीरियर आने के कुछ देर पहले ही हार्दिक पांडे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ऑफ द Hyundai Exter, तो उससे हमें ये ऑलराउंडर वाली बात और ज़्यादा सही हो भी जाती है, बिकॉज कंपनी भी यही सोचती है कि एक Exter जो है वो एक ऑलराउंडर व्हीकल है, जो कि हमारी यूथ को इंस्पायर करने वाला प्रोडक्ट है। अब ये ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। इंटीरियर देखो पहले, तो आप इसका जो नया लीक हुआ, जहाँ पर आपको बहुत यूनिक तरीके का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यूनिक इसलिए बिकॉज इस सेगमेंट में इतना स्पोर्टी डिज़ाइन नहीं देखने को मिलता। ये वाला इंटीरियर है यूजली 10 से 11 लाख की गाड़ियों उसके ऊपर वाला, जिसमें डिजिटल क्लस्टर भी आ रहा है, बड़ी 8 इंचेस की टच स्क्रीन है, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले के साथ साथ Hyundai के ब्लूलिंक कनेक्टेड फीचर्स है, सिंगल पेन सनरूफ मिल जाती है, वो भी वॉइस असिस्टेंट के साथ, और साथ में आपको डैश कैम भी मिल जाता है ड्यूल कैमरा वाला। अब ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये फीचर्स हैं, ये प्रीमियम गाड़ियों के होते हैं, और आपको ये प्रीमियम गाड़ियों के फीचर अब एक अफोर्डेबल गाड़ी में भी देखने को मिलेंगे। चलो इंटीरियर में जो लीक हुआ उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। आप ध्यान से देखो इसका स्टीयरिंग व्हील, जहाँ पर आपको इसके सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिख रहे होंगे, इंक्लूडिंग क्रूज कंट्रोल। यस, क्रूज कंट्रोल भी है इस गाड़ी में। और साथ में अगर आप इसका क्लस्टर ध्यान से देखोगे, तो आपको उसमें लैंग्वेज दिखेगी जो कि इंग्लिश तो नहीं है। पहले हमें लगा कि ये हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये है मराठी लैंग्वेज। अब मराठी लैंग्वेज भी अगर इन्होंने सपोर्ट दे दिया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि और कौन सी लैंग्वेजेस सपोर्ट करेगी ये Hyundai Exter। Hyundai की हमेशा आदत रही है, जब भी कोई गाड़ी लॉन्च करती है, कुछ ना कुछ ऐसा लॉन्च करती है, ऐसा फीचर लेके आते हैं जो कि इस सेगमेंट में नहीं होता, और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है। सनरूफ है, ड्यूल कैमरा वाला, आपको डैश कैम मिल जाता है, और ऑफकोर्स ये जो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, वो भी आपको मिल रही है। वॉइस कमांड्स भी आप देख सकते हैं, बहुत इजीली नज़र आ रहे हैं आपको। हेडलैम्प का जो पूरे कंट्रोल्स है, फॉब है, साथ में इंडिकेटर्स का है, वाइपर का है, वो सब आपको बहुत अच्छे तरीके से नज़र आएगा। तो इंटीरियर वाइज तो ये आया लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कि आपको बड़ी स्क्रीन के साथ आपको मिलेंगे बटन्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, और उसकी साइड जो प्रोफाइल है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। हम ये ऑलरेडी कार्स और इस तरह की गाड़ियों में देख चुके हैं, इवन अब बहुत सारी गाड़ियों में आते हैं, चलो हम उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये डिज़ाइन डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब Exter स्पेशल क्यों है, उसके प्राइस और उसके लुक्स की वजह से। प्राइस के बारे में बताऊंगा तो एंड तक देखते रहना। लुक्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो कंपनी ने इसे SUV लुक पूरी प्रोवाइड करने की कोशिश की, और वो कामयाब भी हुए हैं। बॉक्सी एलिमेंट प्रोवाइडेड है, बड़े हेडलाइट्स है, व्हील आर्च बड़े हैं, स्किड प्लेट भी आपको देखेंगी, वो भी चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो, काफ़ी बड़ी रखी गई है, तो उसकी वजह से गाड़ी का ओवरऑल डिज़ाइन आपको बड़ा बड़ा फील होता है, SUV वाली फील कराता है। और साथ के साथ अगर आप देखेंगे, पहली बार ऐसा होगा कि किसी गाड़ी का नाम Hyundai ब्रांड में आगे लिखा हुआ है Exter, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने में। यूजुअली ब्रांड्स का नाम होता है, जैसे हम MG में देखते हैं मॉरिस गैरेजेस लिखा होता है, और कौन सी गाड़ी आपके मन में आ रही है मुझे बताना जरूर, कि गाड़ी का नाम फ्रंट में लिखा होता है, जिसमें सिर्फ ब्रांड का नहीं, ब्रांड का तो लोगो तो चलो होता ही है, गाड़ी का नाम बताओ कि फ्रंट में कब लिखा होता है। तो यहाँ पर Exter में आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। बड़े प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, H-शेप LED DRLs भी आपको मिल जाते हैं, जो कि दिखने में अच्छे लग रहे हैं, और साथ में बड़े व्हील्स भी आपको कहीं ना कहीं SUV वाली फील दिलाने वाले हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, एक्सपेक्ट करके चल रहे इतना तो बनता ही है। रियर साइड देखेंगे तो LED टेल लैम्प्स के साथ H-शेप्ड आपको LED टेल लैम्प्स का डिज़ाइन भी देखने को मिलेगा, और साथ में बड़ी स्किड प्लेट, फॉक्स प्लेट भी कह सकते हो, जो पूरा बम्पर का डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा SUV रखने की कोशिश की गई है और लग भी रही है। तो बड़ी शेप तो इसकी आ गई, लेकिन बहुत लोग इसकी लुक को इतना पसंद कर नहीं रहे। यूजुअली Hyundai की कार्स जब लॉन्च होने वाली होती है ना, तो लोग पसंद नहीं करते, जब लॉन्च हो जाती है तो फटाफट बिकती है और लोग अडेप्ट कर जाते हैं उसके नए डिज़ाइन को लेकर। चलिए अब बात करते हैं इंजन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंजन वाइज आपको 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, ग्रैंड आइटन नियोस वाला, 83 PS की पावर जनरेट करता है, और भी बहुत सारी गाड़ियों में आता है, बट मुझे एक रिलायबल इंजन लगता है। पावर उतनी ज़्यादा ये नहीं जनरेट कर पाता, बट NVH लेवल वाइज और
माइलेज वाइज ये डेफिनेटली बहुत अच्छा इंजन है। अब सबसे अच्छी चीज़ ये आती है कि 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन तो है ही, 5-speed AMT भी है ही, लेकिन माइलेज अगर और ज़्यादा चाहिए तो CNG ऑप्शन भी डे वन से आपके लिए अवेलेबल होगी। ये बहुत बहुत ज़्यादा रेयर होता है, कंपनीज पहले गाड़ी पेट्रोल में ही लॉन्च करती है, CNG ऑप्शन हमेशा बाद में आती है, लेकिन Hyundai के साथ ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा के साथ ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा में आपको डे वन से CNG की ऑप्शन भी मिलेगी। तो जिन लोगों को माइलेज ज़्यादा चाहिए, बूट स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उनके लिए CNG ऑप्शन इज़ अवेलेबल। और ऑफकोर्स उसका प्राइस 70-80 हज़ार एक्स्ट्रा जरूर होगा, बट माइलेज का फ़र्क आपको डेफिनेटली काफ़ी मिलेगा। तो जिनकी रनिंग होने वाली ज़्यादा, वो पेट्रोल से लोग कई बार निराश हो जाते हैं कि यार काश डीजल होती, हमारी रनिंग ज़्यादा है, हमें माइलेज ज़्यादा चाहिए होती, तो डीजल के लिए भी 1 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो यहाँ CNG के लिए 1 लाख एक्स्ट्रा दे दो। लेकिन डीजल और CNG में काफ़ी फ़र्क है, डीजल में आपको टॉर्क ज़्यादा मिल जाती है, बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, CNG में ये दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बट एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेफ्टी वाइज Hyundai ने एक बहुत अच्छी चीज़ की बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स अभी से देने शुरू हो जाएंगे, वो अक्टूबर की या गवर्नमेंट गाइडलाइंस की वेट नहीं करें, तो 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। और साथ में ऑफकोर्स आपको ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड जैसे फंक्शंस तो मिलेंगे ही, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल बोल दिया वो भी मिलेगा, ये सारे फीचर्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं, और कनेक्टेड फीचर्स तो हैं ही। अब जो फीचर्स नहीं है और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, बट बताना देखो हमारा फर्ज बनता है, ऑफकोर्स किसी तरह का कोई ADAS नहीं है, किसी तरह का कोई 360 डिग्री कैमराज नहीं है, और ना ही वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, वो सब नहीं है, वो इसलिए बिकॉज उस सेगमेंट की गाड़ी रखी भी नहीं गई है। इसका प्राइस 6-10 लाख रहने वाला है, और इसका मेजर कॉम्पिटिशन होगा टाटा पंच, रेनो काइगर, निसान मिग्नाइट और ऑफकोर्स मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के साथ, उसके तहत इसका मेजर कॉम्पिटिशन होगा। हालांकि फ्रॉन्क्स का जो बेस वेरियंट है वो एक्स्ट्रा के बेस वेरियंट से ज़्यादा है, अभी एक्स्ट्रा की प्राइस आ जाए तो पता लगेगा, बट एक्स्ट्रा का वी आर एक्सपेक्टिंग के प्राइस 6 लाख से शुरू होगा, वो फ्रॉन्क से थोड़ी सी छोटी भी रहने वाली है, दिस इज़ व्हाट आई नो अभी तक, बट कंफर्म नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट डायमेंशंस अभी सामने नहीं आई हैं, जितना अभी हमें पता है उस हिसाब से ये कि फ्रॉन्क्स की कंपेरेटिवली छोटी होगी, पंच जैसी इसकी शेप और साइज कंप्लीटली रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में, मुझे लगता है कि एक फीचर रिच गाड़ी होगी, ये बात तो पक्की है। दिखने को लेके, लुक्स को लेके सब्जेक्टिव आपके आंसर हो सकते हैं, किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिनको नहीं भी अच्छा लग रहा ना, उनको टाइम के साथ थोड़ा अच्छा लगने लग जाएगा। अब इस तरह की SUV शेप किन लोगों को अच्छी लगेगी, जिनका बजट ज़्यादा नहीं है लेकिन उनको बड़ी गाड़ियों का शौक है, तो अपने एक्स्ट्रा से शौक पूरे कर पाएंगे। इनफैक्ट कोई कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए नई नई गाड़ी लेना चाहता है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा बहुत अच्छी ऑप्शन रहेगी, इजी टू ड्राइव, इजी टू पार्क एंड इजी टू मैन्यूवर एज वेल। एंड रही बात एक्स्ट्रा की प्राइसिंग की, तो वो भी आपकी इजी ऑन पॉकेट रहने वाली है। सो दिस वॉज द एक्स्ट्रा, 10th जुलाई को वैसे तो इसका लॉन्च है, प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो आपको 10th जुलाई को मिल जाएगी, वेरियंट्स जो हैं 10th जुलाई को मिल, 10th या उसके बाद जुलाई तक मिल जाएंगे, और ड्राइव रिव्यू भी आपके लिए बहुत जल्दी आ जाएगा Hyundai एक्स्ट्रा का। और उम्मीद मत हारे, और भी उससे पहले भी बहुत सारे लीक्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए शेयर की जाएगी, बिकॉज वेरियंट्स की इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी वी नो, ई है, SX ऑप्शनल कनेक्ट, और उनमें क्या क्या फीचर्स हैं वो सब, थोड़ा रुक जा, सब कुछ आपको पता लग जाएगा एक्स्ट्रा के बारे में इसी चैनल पे। तो इसलिए कहता रहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना, लाइक करें इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमेशा कोई भी कोई गाड़ी नहीं आती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाती है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।